हेलो वेलकम न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में मैं मानने वाला हूँ ग्रैनी एंड ग्रैंडपा के कौए को। तो गाइस ये हम मर चुके हैं यहाँ पर। तो गाइस कोई बात नहीं, तो गाइस आते हैं नेक्स्ट राउंड में। तो गाइस नेक्स्ट राउंड में आ चुके हैं हम इस जेल के अंदर। तो गाइस देखते हैं हम इस जेल के अंदर से निकलने के बाद क्या कर सकते हैं। तो गाइस हमारे पास है ये की, तो जिससे हमें खोलना होगा फटाफट गेट। तो गाइस जैसे ही मैं गेट खोलने के बाद जाता हूँ ऊपर एंड मुझे मिल जाती है कुछ फ्लोवर। मिलने के बाद मैं डायरेक्ट भाग के जाता हूँ अपनी गन के पास जहाँ से मुझसे गन गिरी थी। तो गाइस पूरे ग्राउंड के चक्कर लगाने के बाद मुझे वह नहीं मिली। तो गाइस मुझे लगा कि ग्रैंडपा ने चोरी कर ली। तो गाइस ग्रैंडपा बहुत बड़ा चोटिया है, जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ने भी नहीं बताया होगा। तो गाइस यहाँ से गिरी थी वो बंदूक एंड ग्रैंडपा ने मुझे नहीं दी। तो गाइस मुझे चलना होगा ऊपर मिल गई ग्रैनी, नीचे मिल गई स्लेंडरीना। तो गाइस मैंने जैसे ही ग्रैनी को घुमाने की सोची, ग्रैनी पड़ गई पीछे। छोड़ दे मेरा पीछे। तो गाइस जैसे ही ग्रैनी से बच बचा होकर मैं निकला ऊपर की ओर, तो सामने देखा ग्रैंडपा है, बट मैंने ग्रैंडपा को मुंह नहीं लगाया। मैं अपने काम से काम रखता चला गया। सीधा ऊपर जाने के बाद मैंने देखा कि कौए को किसी ने पहले ही मार दिया एंड ग्रैनी बोल रही है आईसीयू। आईसीयू का मतलब मुझे पता नहीं। तो गाइस मुझे ये क्या, गाइस ये कहाँ से डरवाती है गाइस। ये बिछाया है ग्रैनी ने जाल, यहाँ पर तो नहीं है गाइस शॉटगन। तो गाइस हमने यहाँ पर भी देखा, बट वो शॉटगन यहाँ पर भी नहीं है। डराने से बाद नहीं आ गई है।